यदि जीवन को सुधारना है, अपने कर्म को सुधारना है, नौकरी में या व्यापार में उन्नति लेना है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो कर्म हैं वही हमको सहायता करते हैं। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं यही निर्धारण करता है कि हम अपने जीवन में सफल होंगे या असफल होंगे। हम जो व्यापार कर रहे हैं उसमें उन्नति होगी कि नहीं होगी, हम जो नौकरी कर रहे हैं उसमें प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये सब जो होता है वो किसी एक प्लेनेट या किसी एक ऊर्जा से होता है, और वो होता है हमारा कर्म। और कर्म किससे निर्धारण होता है? कहीं ना कहीं तो ये देखा जाएगा कि जो हमारे कर्म हैं उसके प्रमुख देव कौन से हैं, और वही कर्म ही हमें बताता है कि हम जीवन में क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं महादेव महाकाल कुंडली से राहुल तिवारी आप सभी का अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। कुंडली के हिसाब से या कर्म के हिसाब से हम देखें तो शनि ग्रह जो होते हैं वो हमारे कर्म के भाव के देवता माने गए हैं। जो हमारा कर्म होता है वो कर्म के देवता जो बोले गए वो शनि देव बोले गए हैं। तो जो भी हम रोज के कार्य करते हैं या किसी से समाज में अपनी वार्तालाप करते हैं या किसी के साथ सहयोग करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, सुबह उठ के शाम को सोने तक का भी जो कर्म करते हैं, वो सारे कर्म कहीं ना कहीं शनि देव नियंत्रण करते हैं, क्योंकि उसी के आधार पे हमें उसका जो भी फल होता है कर्म का वो शनि देव प्रदान करते हैं। क्योंकि कर्म प्रधान बोला गया है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा, अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसी के हिसाब से उसको फल मिलता है। कर्म हम जैसे करेंगे उसी के आधार पे हमको भगवान फल देते हैं, और फल देने वाले जो हमारे कर्म के देवता है वो है शनि देव। तो शनि देव को हमेशा इंसान को खुश रखना चाहिए। अब हमें शनि परेशान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये कैसे मालूम पड़े, या शनि को खुश करने के लिए क्या किया जाए? तो शनि यदि आप समझ लीजिए किसी नौकरी में या किसी पैसे में आप जुड़े हुए हों और आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, बहुत देर हो जा रही है प्रमोशन, आप ईमानदारी से कार्य कर रहे हो और प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके शनि जो हैं आपको परेशान कर रहे हैं। बात बात में गुस्सा आ जाना, आप किसी से बात कर रहे हो और क्रोधित हो जाना, या फिर आपकी बातों को लोग इग्नोर करें, आपको अटेंशन दे ही नहीं, आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देवे, तो भी आपका कहीं ना कहीं, क्योंकि कर्म के हिसाब से आपने जो कर्म किया है उसी के हिसाब से लोग आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसकी वजह से भी आपका शनि खराब चल रहा है। तो शनि जब खराब होते हैं तो ऐसे लक्षण होते हैं कि व्यवसाय हो रहा है, धंधा हो रहा है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा आ कहाँ से रहा है, पैसा जा कहाँ से रहा है। घर की दीवार जो होती है घर में या बेडरूम में, कहीं पे दीवार में देखो दरारें पड़ जाएंगी आपको, शनि का प्रभाव ऐसा होता है। घर की ज़्यादातर अंदर के जो एटमोसफेयर रहता है वो निगेटिव ऊर्जा ज़्यादा देती है, घर के अंदर झगड़ा, लोगों से आपस में न बन पाना, कर्म ही तो है हमारा, ये सब कर्म ही तो है हमारा कि जो हम कर रहे हैं। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए तो हमारा कर्म ही तो है, हमें उस चीज़ का नॉलेज तो है, तभी तो हमारा कुछ न कुछ हमारा जो हम इस समय जो कर रहे हैं या जो पिछले हमने कर लिया वो सब हमारा कर्म ही तो है। जैसे कोई कार्य कर रहे हैं, दो दिन का काम 20 दिन में हो रहा है, कार्य तो कर रहे हैं लेकिन 2 दिन का कार्य 20 दिन में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा शनि खराब है। अब शनि को सही कैसे किया जाए? क्योंकि आपने यदि सिर्फ शनि को सही कर लिया, शनि को सही करना मतलब अपने अपने कर्म को सही कर लिया, तो यदि इंसान का कर्म सही हो तो सब सही है, क्योंकि कर्म किए बिना कुछ मिलने वाला तो है नहीं।
यदि हम सही दिशा में कर्म करेंगे, सही दिशा में कार्य करेंगे, सही लोगों से मिलेंगे, तो हमारा सब जितने भी कर्म होंगे उसका फल भी सही होगा। उसके लिए हमको शनि को सही करना पड़ेगा। तो शनि को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीवन में मुख्यतः 5 गलतियां मत करिए आप। मंत्र तो अलग है, लेकिन जो 5 गलतियां हैं जीवन में वो कभी मत करिएगा आप। सबसे पहला होता है कि आप किसी काम को टालिए मत। जो कार्य आप कर रहे हैं, आपके सामने कोई कार्य आ रहा है और आपके पास समय है, तो उस काम को आप टालिए मत। शनि आपसे कभी नाराज नहीं होंगे। जो काम जब मिला उसको उसी समय कर डालो, पहला। दूसरा है कि आप अपने कंफर्ट जोन में मत रहिए। जो आपका कंफर्ट जोन है कि हम बस इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं, या गर्मी लग रही अब कार्य नहीं कर सकते हैं, धूप है कैसे जावें, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करिए। क्योंकि शनि आपके कर्म ही तो देख रहे हैं कि आप क्या कर्म कर रहे हो। यदि आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं शनि कर्म ही तो देखेंगे कि भाई आप इसकी वजह से छोड़ रहे हो। आप उसको छोड़ो, अपने कर्म को करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। एक साथ 2 काम 3 काम मत करिए, मल्टीपल कार्य आप मत करिए। यदि आप मल्टीपल कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं शनि आपसे आपके नाराज होंगे, क्योंकि एक साथ 2 कार्य नहीं किया जा सकता है। हाँ, आप अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए समय उचित बनाइए। हमें मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि मांस और शराब का सेवन करते हैं तो हम अपने शनि को खराब करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित करते हैं। दूसरी बात और है जो लास्ट है कि हम अपने छत पे उगते हुए सूरज का जो तस्वीर होता है वो कभी भी पश्चिम दिशा में न बनाने। कभी भी सूर्य की जो प्रतिमा होती है वो हम पूर्व दिशा में, वहीं पे उनका आगमन होता है, तो पूर्व दिशा की जो छत है पूर्व दिशा की साइड पे ही हम कोई तस्वीर लगाएं, और कोई भी ग्रीन चीज़ वो पश्चिम दिशा की तरफ ना रखें। ग्रीन पौधे हैं, कुछ भी जो भी है वो सब पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में रखिए, न कि उसको पश्चिम और दक्षिण दिशा में रखिए। इससे आपके शनि मजबूत हो जाएंगे और नाराज नहीं होंगे। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन मंगल हो, शुभ हो।